फेसबुक से दोस्ती, फिर शादी और धोखा देकर भागा शातिर धोखेबाज पति। एक साल बाद महिला अपने धोखेबाज पति के घर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा और यूपी पुलिस से गुहार लगाई कि ऐसे शातिर लोगों को सलाखों के पीछे भेजें जो शादी के बाद घर में रखा जेवरात सहित कैश लूटकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही उसे अरेस्ट किया जाएगा। धोखेबाज पति के घर पर हंगामा कर रही इस महिला को देखिए, जो फेसबुक से दोस्ती फिर शादी करके धोखा खाई है। शातिर ने इतना ही नहीं, उसके घर के लॉकर में रखे 3 लाख के जेवर सहित 1 लाख लेकर भाग खड़ा हुआ, जिसके तलाश के लिए कलकत्ता पुलिस के साथ आकर जिले की पुलिस से गुहार लगाई, जहां पुलिस धोखेबाज पति अभिषेक आर्या के घर पहुंची। पीड़िता सुनीता धानुक की माने तो अभिषेक आर्या से फेसबुक से दोस्ती हुई, उसके बाद जान पहचान के बाद दूर से पारिवारिक रिश्तेदार निकले। तब अभिषेक शादी के लिए दबाव बनाने लगा और अभिषेक गले में ब्लेड लगाकर आत्महत्या करने की धमकी भी देने लगा। फिर भी उसे इग्नोर किया, लेकिन दिल्ली से सीधे फ्लाइट पकड़ कलकत्ता पहुंचा, जहां उसने कोर्ट मैरिज की। अभिषेक के पिता राजू आर्य बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी करते हैं। जब यहां आकर देखा तो सब भागे हुए हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे यह किसी और के साथ ऐसी हरकत ना कर सकें। ये लड़का अभी, मेरा हस्बैंड का नाम अभिषेक आर्य है, ये यूपी का रहने वाला है, फतेहपुर में रहता है, और मेरा ससुर बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करते हैं, राजू आर्या नाम है। ये मुझे, मेरा हस्बैंड मुझे फेसबुक में फंसाया है, फंसाकर, और उसके बाद मेरे से कोलकाता में कोर्ट मैरिज शादी किया है, करने के बाद 1 साल कोलकाता में मेरे साथ घर किया है, करने के बाद वो मेरा सारा जेवर लेकर यहाँ यूपी भाग आया है, और उसके बाद से उस, मतलब हम आज पुलिस, कोलकाता पुलिस के साथ यूपी आए हुए हैं, लेकिन वो लोग यहाँ से, हम लोग मेरा जो गहना लेकर आया उसका सीज करने आए हैं पुलिस के साथ, तो वो लोग यहाँ से भाग गया है। गेट में हम लोग गए थे, गेट में ताला लगा हुआ था। तो यहाँ आप कोतवाली गई यहाँ की, तो यहाँ से पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? यहाँ से अभी फिलहाल पुलिस हम लोगों के साथ गई थी, लेकिन मतलब कुछ पता नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे नहीं है, हम लोग को कुछ ठीक नहीं लगा इन लोगों का बात। तो कल फिर हम लोग जाएंगे अपने हस्बैंड का गांव भिटौड़ा में जाने वाले हैं हम लोग। क्या मामला है, क्यों आपको वहां से छोड़कर भागाया? मामला यही था, उसने मुझे पैसा के लिए यूज किया, पैसा के लिए शादी किया है करके, उसको सारा कुछ मुझसे मिल गया, मिलने के बाद वो वहां से यहां यूपी भाग आया है, तो आज हम लोग यूपी में आए हैं। कल क्या ऐसा भी हो सकता है, ऐसे फ्रॉड काम ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं, क्या कई लोगों के साथ किया होगा? सर जरूर किया है, नहीं करने से ऐसा कैसे इतना आसानी से कर दिया, वो भी बंगाल का एक लड़की के साथ कर दिया है ऐसा काम, इसने बहुत सारी किया है। अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में? अब हम चाहते हैं कि इसका बहुत कड़ी से कड़ी सजा हो, इसको मिले, ताकि ये दोबारा कोई लड़की का जिंदगी बर्बाद ना कर पाए। आपको, आपका कितना पैसा का सोना और क्या पैसे? मेरा 3 लाख का जेवर था और 1 लाख मेरा कैश था, जो उसको हम सेकेंड हैंड बाइक दिलाने के लिए हम रखे थे लॉकर में, वो भी पैसा लेकर चला आया ये जी। मेरा लड़की के साथ ये अभिषेक आर्या ने गलत काम किया है, शादी कोर्ट मैरिज करके शादी करके वहाँ से पैसा रुपया गहना लेके भाग आया है, और इसी के चलते हम लोग कलकत्ता पुलिस को लेके हम लोग फतेहपुर में आए हैं। फतेहपुर पुलिस से क्या आश्वासन? पुलिस से यही मिला है कि वो लोग गया है उनके घर में, सीजर लिस्ट लेके आया हमारा ऑफिसर, तो जाके देखा वो लोग भागा हुआ है, लोगों के घर में ताला मारा हुआ है। रीजन क्या था, क्यों ऐसा कर रहा है? बोला रीजन अभी तो पता चल रहा है कि वो पैसे ही के लिए आया था, क्योंकि मेरा बेटा मर गया, मेरा परिवार में कोई है नहीं है, वो सोचा कि और थोड़ा बड़ा पापा से, बड़ा माँ से कुछ और झाड़ू लेंगे, तो मेरा लड़की का पूरा खत्म कर दिया। कब शादी किया था इसने? 2019 को मार्च में, 2019 को मार्च कोर्ट मैरिज किया था। हाँ, कोर्ट मैरिज करके शादी किया, हम लोग का अगेंस्ट में जाके किया, तो हम लोग ने दोनों को घर से निकाल दिया। फिर इनको घर में कैसे रखा? फिर इनको रखा इसीलिए, ये अलग फ्लैट लेके भाड़ा में थे, तो वहाँ फिर मारपीट करने लगे, वो लोग हम लोग को खबर दिया कि तुम्हारा लड़की बीमार पड़ा हुआ है, उसको ले आओ नहीं तो मर जाएगी, तो हम लोग ने फिर लेके आके अपना दोतला मकान में रखा था, तो यहाँ भी वो करने लगा, तो हम हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बोलते, लेकिन लास्ट में बहुत देखा, बहुत बराबरी होने लगा, तब हमने बताया कि उसके ऊपर चाय फेंक दिया, तो हमने बताया कि ये राहुल बहुत अभिषेक आर्या को बोल रहे कि राहुल बहुत बराबरी हो जा रहा है सब। कितना लमसम, कितना वहाँ से आपका पैसा और जेवर लेके आ गए? वो 3 लाख का गहना लेके गए, 1 लाख का उसका गाड़ी खरीदने के लिए पैसा था, वो लेके आ गए। अब आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? चाहते हैं वो सजा उसको मिले, वो और कोई लड़की को ऐसा बर्बाद ना करे।
देखिए कोलकाता से एक टीम आई थी जिसमें कि एक महिला जो कि कोलकाता की रहने वाली है उनके द्वारा कोलकाता में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनका कहना था कि यहाँ पर फतेहपुर के एक लड़के के द्वारा फेसबुक पर इनके साथ चैटिंग की गई, चैटिंग के बाद इनसे दोस्ती हुई, फिर इनकी शादी हुई और शादी के कुछ समय के बाद वो लड़का इनसे पैसे और ज्वेलरी लेके वहाँ से चला गया। इसी के संबंध में कोलकाता में मुकदमा लिखा गया। इस मुकदमे की तफ्तीश के संबंध में वहाँ के आईओ और ये वादिनी साथ में फतेहपुर आए थे। इसमें हमारे द्वारा थानाध्यक्ष कोतवाली सिटी और सीओ सिटी को निर्देशित किया गया है कि विधिवत इन लोगों की मदद की जाए ताकि विवेचना का जल्दी ही निस्तारण किया जा सके।